वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एयरफोर्स की नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स नवंबर एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया है, उनके थ्रू इस सीरीज को लॉन्च करा गया है और इसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है ऐप को। उसके बाद डिफेंस सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करने के बाद जब आप लेना तो उस टाइम आपको 279 रुपये दिखेगा कि 279 रुपये का ये टेस्ट है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालोगे ABSTUDY50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 140 रुपीज ही पे करने होंगे। 140 रुपीज में आपको 40 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने ले लिया है, एंड देन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना और वो वाला स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना, साथ में लिख देना कि आपने किसके लिए लिया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। वो चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर एक्स वाई बोथ के लिए कर रहे हैं, सब में लागू होगी। तो टोटल आपको 60 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे सिर्फ 140 रुपीज में। तो सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों का कल ही से मैसेज आ रहा था मुझे कि सर ऐसा है कि जो CASB वेब पोर्टल है उस पर जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हम एडमिट कार्ड चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा हमारा, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो अभी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और दिखा दूंगा आपको कि लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप तो जानते ही हैं लॉगिन करने के लिए ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, तो क्लिक कर लिया मैंने। उसके बाद ये जो इनटेक 2 2021 है इस पर हमें क्लिक करना होगा। ऐसे तो क्लिक नहीं कर पाऊंगा मैं, पहले कर लेता हूँ क्लिक। तो अभी आप देखो मैंने क्लिक करा और यहाँ पे आ गया जहाँ से आप लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी डाल लेते हैं, ईमेल आईडी डाली है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, अगर आपने डाल रखा होगा तो आपका भी आ जाएगा, मेरा ऑलरेडी सेव है। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कैप्चा को, और अब डाल लेता हूँ कैप्चा को भी। कैप्चा क्या है हमारा, स्मॉल एस कैपिटल जेड कैपिटल एक्स और कैपिटल डब्लू, हो गया हमारा। अब इसको कर देते हैं डन। ये देखो गलत हो गया हमारा क्योंकि गलत कैप्चा था। अगेन 9, ओके एक सेकेंड में कर लेता हूँ इसको। तो अभी डाल दिया है कैप्चा मैंने, अभी एक बार फिर से करते हैं हम। देखो यहाँ पे हो गया, सब ग्रीन हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करा, देखो मेरे सामने खुल गया, सब कुछ आ गया आपके सामने, देख सकते हो यहाँ पे गया मैंने, आप देख सकते हो ये बिल्कुल जेन्युइन है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने और सब कुछ है। देखो यहाँ पे लॉगिन का जो ये लिंक है वो भी आप देख सकते हैं, ये वाली लिंक जो है आप वो भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने तो ईजिली लॉगिन कर लिया इसके लिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भाई देखो आपको समझा देता हूँ, होता क्या है कि कभी कभी हम जो हमारी पासवर्ड है या फिर ईमेल आईडी है उसमें कहीं पे गलती कर देते हैं सबमिट करते टाइम, ठीक है। और ऐसा होता है, आपको लगेगा कि आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, कई बार देख लेंगे आप, लेकिन नर्वसनेस में वो चीज़ हो जाती है कि गलती आप कर देते हैं, पहला चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मे बी आपका पासवर्ड इनकरेक्ट हो, आप एक बार फिर से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो उसको चेंज करो एंड देन ट्राई करो। चलो अगर आपका पासवर्ड भी ठीक है, आप डाल भी सही रहे हैं, तो आपकी एक और गलती है, वो क्या है कि हम क्या करते हैं, देखो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि जैसे हमें अभिषेक लिखना है, ठीक है मुझे अभिषेक लिखना है, तो मैं क्या करूँगा AB और H लिखूँगा, उसके बाद अभिषेक आ जाएगा ऑटो जो आ जाता है ऑटो करेक्ट करके, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमारा हो जाता है। वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करो, वो चीज़ मत करो और पूरा आपने डालो। लाइक आपका पासवर्ड अगर है कि अभिषेक @ उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपका हो पासवर्ड, वो अगर आप डालते हो तो हाफ ही डाल करके अगर आपका पासवर्ड आ जाता है तो मत करो, आप पूरा डालो एंड देन उसको लॉगिन करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप एक बार ईमेल करो इंडियन एयरफोर्स को, उसको लगा करके उसके जो भी कॉपीज है उसको डाल करके उसमें और सबमिट करो ईमेल। और फिर भी नहीं होता है तो थोड़ा टाइम वेट करो, इसके लिए कोई और सोल्यूशन जरूर होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का एग्जाम नहीं हो पाएगा, किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, भाई 100% एडमिट कार्ड मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो। और वैसे भी उन्होंने बोला है ना कि 24
48 आवर्स में आपका जो एडमिट कार्ड है आपके एग्जाम से, लाइक आपका अगर एग्जाम 7 नवंबर को है तो 5 को आपका एडमिट कार्ड डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और आप एग्जाम भी दे पाएंगे। बस आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, और आप ऑनलाइन परीक्षा ऐप से लगा रहे हैं तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है आपके एग्ज़ाम में। और वो जो नवंबर स्पेशल है ना, वो ज़रूर लगा लेना, उसमें 20 है और 20 मैं आपको दे दूंगा आप अगर स्क्रीनशॉट सेंड करोगे मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, तो वहाँ पे वो ऑफलाइन टेस्ट दे दूंगा आपको। तो 20-20-40 हो जाएगा, 40 लगा लो और 40 लगाने के बाद एकदम आराम से एग्जाम क्लियर कर जाओगे, है ना। तो जल्दी से जाओ ले लो परीक्षा ऐप से, और बाकी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके बता दो। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।